हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन हियर इट इज, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑपरेंड? एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिप्रेसर इन केस ऑफ लैक ऑपरेंड। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट को, एंड की कंसेप्ट हियर इट वुड बी ऑपरेंड। सो अगर हम बात करते हैं ऑपरेंड, वो क्या है? फंक्शनल यूनिट है। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, यूनिट दैट इज ऑफ डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। टिपिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं इन केस ऑफ, यू कैन से, बैक्टीरिया। अब यहाँ पर हमारे पास है कि देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट, है ना, कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑपरेंड में क्या क्या होता है। तो अगर मैं ऑपरेंड के कंपोनेंट्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो ऑपरेंड में होता है एक प्रमोटर। प्रमोटर एक ऐसा रीजन होता है ऑपरेंड में, जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए पॉलीमरेज, वेयर अ डीएनए सीक्वेंस, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज जो है, ठीक है, वो क्या करता है, दैट बाइंड्स टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज हियर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसमें होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, ये भी एक सेगमेंट है डीएनए का, दैट कुड एक्ट एज अ रेगुलेटरी एलिमेंट। ये कैसे एक्ट करता है, इट कुड एक्ट एज अ रेगुलेटरी एलिमेंट की तरह, ठीक है, जहां पर कि रिप्रेसर प्रोटीन कैन बाइंड टू इनहिबिट। यहाँ पर रिप्रेसर बाइंड कर सकता है टू इनहिबिट द एक्टिविटी फर्दर। उसके अलावा होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होती है, दीज जीन्स ट्रांसक्राइब टुगेदर, ये जो जीन्स हैं ये ट्रांसक्राइब करती हैं, दीज कुड बी ट्रांसक्राइब टुगेदर एंड कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है, एंड कोड करती है प्रोटीन के लिए। लास्ट अगर हम डिस्कस करें तो एक होती है रेगुलेटरी जीन, ठीक है, रेगुलेटरी जीन, ये आउटसाइड द ऑपरन होती है, एंड ये जो कोड करती है रिप्रेसर प्रोटीन के लिए करती है, जिसका हम रोल आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं लैक ऑपरन में, ठीक है, रोल ऑफ रिप्रेसर क्या है, जो लैक ऑपरन है, पर्टिकुलरली लैक ऑपरन जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल हियर फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन केस ऑफ ई कोलाई, ठीक है, इन केस ऑफ ई कोलाई, एंड यू कैन से इट कंसिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, तीन स्ट्रक्चरल जीन होती है इसमें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है, या हम कह सकते हैं लैक रिप्रेसर, ये प्रोटीन है, एंड दैट प्रोटीन हियर इट इज पर्टिकुलरली इनकोडेड, इट इज एनकोडेड बाय द लैक आई जीन, ठीक है, एंड ये जो होती है ना प्राइमरी फंक्शन, इसका क्या होता है, रिप्रेसर का प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिप्रेसर दैट कुड बी हियर, कि ये क्या करता है, इट कुड बाइंड टू द ऑपरेटर, ये बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ, ठीक है, एंड प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, एंड प्रिवेंट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। अभी ऐसा होता कब है और क्यों होता है, देखो बेसिकली क्या है, अगर तो एब्सेंस होती है लैक्टोज की, इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है, तो रिप्रेसर बाइंड कर लेगा। रिप्रेसर क्या करेगा, बाइंड करेगा अपने आप को, ठीक है, टू द ऑपरेटर, जिससे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब नहीं करेगा, ब्लॉक हो जाएगा। वेयर एज अगर यही अदर केस में हम देखते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है, अगर ये कंडीशन है कि जहां पे प्रेजेंस है लैक्टोज की, उस केस में क्या होगा, जो ये लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एलो लैक्टोज में, आइसोमर है लैक्टोज का,
जो कि लैक रिप्रेसर से बाइंड करेगा, जो कि लैक रिप्रेसर से बाइंड करेगा। अगर ये लैक रिप्रेसर से बाइंड कर लेगा तो उसमें कॉन्फर्मेशन चेंज आ जाएगा, ठीक है, तो फिर वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा जाकर। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होगी। सो दिस इज द रोल ऑफ रिप्रेसर। होप इट इज क्लियर, ऑल द बेस्ट।